हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू आई होप कि आप सही ठीक रहेंगे दोस्तों आज एक प्रोडक्ट के लिए पूरे स्ट्रेंड डिजाइन करना सीखेंगे जैसे कि मैंने स्मार्टफोन के लिए डिजाइन किया हुआ है ऐसा कुछ सिंपल और क्रिएटिव डिजाइन करना सिखाऊंगा आप सभी को स्टेप बाय स्टेप तो प्लीज़ बने रहिए इस वीडियो में स्टार्ट टू एंड तक तो दोस्तों आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है अगर आप मेरे पे चैनल पे पर पहली बार आए हैं है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा ताकि आप आपसे क्या पे कुछ नया क्रिएटिव डिजाइन सीखने मिले रहो तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं हम आपके फोटोसॉफ़ सी सी में मैं जाता हूँ फाइल में और यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे मैं साइज रखता हूँ वन जीरो एट जीरो वीट हाइट से मैं सेवेंटी टू रेजोल्यूशन है कलर में आठ जी बी और यहाँ पे पिक्सल दिया हुआ मैंने और यहाँ पे फाइनल लेता हूँ मैं पोडियम और यहाँ से क्रिएट कर लेता हूँ तो ये हमारा डिज़ाइन साइज आएगा अब इस बाजार पर क्लिक करूँगा और यहाँ से जाऊँगा मैं सॉलिड कलर में और यहाँ पे ब्लैक कलर थोड़ा ऊपर की तरफ ले लूँगा मैं यहाँ पे इसका कोड जनरेट हो जाएगा और ओके करूँगा अब मैं एक न्यू लेयर लूँगा और यहाँ से मैं जाऊँगा सॉलिड कलर में और यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा मैं ग्रे टाइप कलर पिक कर लूँगा सब कोड यहाँ पे आ जाएगा और ओके OK करूँगा अब मैं जाऊँगा यहाँ पे फिल्टर में और यहाँ से जाऊँगा मैं रेंडर में और यहाँ से जाऊँगा मैं क्लाउड को सिलेक्ट करूँगा और इसे स्मार्ट वॉच में कन्वर्ट कर लूँगा तो यहाँ पर इस तरह एक क्लाउडनेस एक इफेक्ट आ जाएगा अब मैं जाऊँगा यहाँ पर नॉर्मल में और यहाँ से कोई भी इफेक्ट मैं चेक कर लेता हूँ कि कौन सा इफेक्ट अच्छा है तो यहाँ पर भी ओवरली को रख लेता हूँ और यहाँ पर इंटर करूँगा तो ये कुछ इस तरह इफेक्ट आएगा अब मैं यहाँ पे जाऊँगा थोड़ा सा इसका फिल कम कर लूँगा मैं इस तरह और इनटा करूँगा अब इसी को एक न्यूलर लूँगा मैं और यहाँ से जाऊँगा मैं ब्रश में ब्रश में जाकर यहाँ से सॉफ्ट ब्रश को सिलेिक करूँगा ये जनरल ब्रश में मिल जाएगा आपसे इसको इसे क्लोज कर मैं अब मैं ओपन ब्रैकेट से इस तरह मैं ब्रश को पूरा बड़ा करूँगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा सॉरी अंडू करता हूँ यहाँ पर मैंने कलर नहीं चेंज किया यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर थोड़ा सा ग्रे टाइप कलर पिक करूँगा इसका कोड यहाँ पर आ जाएगा और ओके करूँगा अब मैं यहाँ पे एक क्लिक करूँगा तो कुछ इस तरह इफेक्ट आएगा यहाँ पे मोटर को सेलेक्ट करूँगा अब मैं जाऊँगा यहाँ पे थोड़ी सी इसकी ऑपोजिटी कम कर लूँगा इस तरह में और एंटर करूँगा अब इससे के ऊपर एक न्यूले लूँगा और यहाँ से जाऊँगा मैं ब्रश में ब्रश के बाद में एक आइकन मिलेगा आप सभी को यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा इसका एक विंडो ओपन हो जाएगा इसे इस तरह में ड्राइप करके यहाँ पर सीधे लेके आऊँगा और यहाँ पर मैं जाऊँगा और यहाँ पर इसे इस तरह पकड़ के पॉइंटर को इस तरह में बेंड कर लूँगा मैं इस तरह अब इसे क्लोज़ कर लूँगा और यहाँ पे इसे रोटेट करने के लिए मैं सेट राइट एरो से, राइ से इस तरह में से रोटेट कर लूँगा मैं और यहाँ पे कलर बॉक्स पे जा कर यहाँ पर इस तरह में व्हाइट कलर ले लूँगा सब कोड यहाँ पे आ जाएगा और ओप करूँगा अब मैं ब्रश को थोड़ा बड़ा करूँगा ओपन ब्रैकेट से और यहाँ पे क्लिक करूँगा तो एक कुछ इस तरह इफेक्ट आएगा अब मैं अपनी मोटू को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर थोड़ा सा इसका मैं फिर कम कर लूँगा चादा नहीं इस तरह और एंटर करूँगा अब मैं इसी के ऊपर फिर से नहीं ले लूँगा और यहाँ पर मैं ब्रश को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर ब्रश को थोड़ा छोटा कर लूँगा मैं क्लोज बैकेट से और यहाँ पे सिर्फ राइट और तो थोड़ा सा मैं रोतेड कर लूँगा मैं और यहाँ पे इस तरह पे क्लिक करूँगा ठीक कुछ इस तरह इफेक्ट आएगा यहाँ पे मोटो को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे कंट्रोल टी प्रेस करके यहाँ पे मैं कॉर्नर से, से इस तरह थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा मैं और प्रेट करूँगा अब मैं इसी को फिर से कंटे लूँगा और यहाँ पर यहाँ जाऊँगा मैं ब्रश को फिर से सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर मैं कलर बॉक्स पर जाते हैं यहाँ फिर थोड़ा सा मैं ग्रे टाइप कलर पिक कर सब कोड यहाँ पे आ जाएगा और ओके करूँगा अब मैं जाऊँगा यहाँ पर ब्रश में और ब्रेश में जाकर से जनरल ब्रश में जाकर शॉर्ट ब्रेश को सेलेक्ट कर तो ये नॉर्मल हो जाएगा यहाँ पे ब्रश को थोड़ा छोटा करूँगा मैं और यहाँ पे क्लिक करूँगा कंट्रोल टी पेस करूँगा इसे से पकड़ के इस तरह में नीचे की तरफ बैंड कर लूँगा इसे इस तरह में स्ट्रेच कर लूँगा इस तरह और यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा यहाँ पे ऐप को थोड़ा सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर थोड़ा सा इसे इस तरह पकड़ लूंगा स्ट्रेच कर लूँगा आगे की तरह इसे मैं इस तरह में मैनेज करूँगा और इंटर करूँगा और यहाँ पर बोटू को सेलेक्ट करूँगा अब मैं इसी के ऊपर फिर से एक न्यू लेयर लूँगा और यहाँ से जाऊँगा मैं लेफ्ट को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पर इस तरह एक सर्कल ड्रा कर लूँगा मैं इस तरह और यहाँ पर मैं मोटो को सेलेक्ट करूँगा इसे सेंटर में लाने के लिए मैं कंट्रोल ए प्रेस करूँगा तो यहाँ पे अलाइन का पैनल एक्टिवेट हो जाएगा यहाँ पर मैं इसे सेंटर में ले लूँगा कंट्रोल डी प्रेस कर इस सेलेक्शन को डिलीट कर लूँगा अब इसी का डुप्लीकेट लिख लूँगा मैं अल्टीट होल्ड कर रखाऊँगा और यहाँ पर इस तरह से एक डुप्लीकेट लिख कर लूँगा मैं कंट्रोल प्लस तो से डिजाइन को थोड़ा बड़ा करूँगा स्पेस से इसे इस तरह में ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा और यहाँ पर मैं रैक्ट एगल को सिलेक्ट करूँगा और इसी के ऊपर क्लिनर लेके यहाँ पे इस तरह में लेफ्ट से लेके राइट तक एक रेक्टेंगल ड्रा कर लूँगा मैं अब मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पे नॉर्मली इसका थोड़ा कलर चेंज कर ताकि ये विजिबल लगे यहाँ पे मैं नीचे को भी सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे मोटर को सेलेक्ट करूँगा पहले इसे सेलेक्ट करके यहाँ पे कॉर्नर पर क्लिक करूँगा और इसी कलर को पिक कर लूँगा और यहाँ पे ओके करूँगा कंट्रोल प्लस से डिजाम को थोड़ा बड़ा करके इसे इस तरह में एडजस्ट करूँगा और यहाँ पे इस सर्वर को सिलेक्ट करूँगा इसे ड्रैक करके इन तीन लेयर के ऊपर रख लूँगा यहाँ पे मैं चेक कर लूँगा कि प्रॉपर है कि नहीं रेक्टेंगल इसे इस तरह में स्ट्रेच कर लूँगा करूँगा कंट्रोल जीरो का मैं डिज़ाइन पाऊँगा यहाँ पर मैं अल्ट होल्ड रखूँगा और यहाँ पे इस तरह से ड्रैग करके नीचे की तरफ ले लूँगा और यहाँ पे इसे चेंज कर लूँगा ताकि ये लेयर ही लेना और इन तीनों लेयर के पीछे ले लूँगा मैं कंट्रोल टी प्रेस करके इसे इस तरह में थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा मैं सिम डाउन एरो से इस तरह थोड़ा सा नीचे ले लूँगा मैं और यहाँ पर मैं इस सारे पीछे लेयर को मैं लॉक कर लेता हूँ ताकि लेयर हिले ना इसे इस तरह में सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे जाऊँगा इसे सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे डायरेक्ट बैकग्राउंड पे क्लिक करूंगा तो ये सारे सेलेक्ट हो जाएंगे अब मैं आप इसे लॉक कर लूँगा यहाँ पे बैकग्राउंड लॉक है तो इसे मैं हटा लेता हूँ कंट्रोल प्रेस कर करता हूँ कि यहाँ पर क्लिक करेगा तो अन सेलेक्ट हो जाएगा इन इसे इस तरह में लॉक कर लूँगा अब इन सारी लेयर को सेलेक्ट करूँगा और सिर्फ डाउन लेयर से इस तरह में थोड़ा सा नीचे ले लूँगा मैं मैं इन तीनों लेयर को सेलेक्ट करूँगा सिर्फ पकड़ के इस तरह और यहाँ पे कंट्रोल जे प्रेस करूँगा तो इसका डुप्लीकेट आ जाएगा अब मैं कंट्रोल टी प्रेस करूँगा और यहाँ पर इस तरह में नीचे से पढ़ के छोटा कर लूँगा इसे इस तरह तो में ऊपर की तरफ मैनेज कर लूँगा मैं और इंटर करूँगा इस सर्कल को तो सेलेक्ट करूँगा इसी का डुप्लीकेट ले लाऊँगा कंट्रोल जे प्रेस करूँगा इसे ड्रैप करके इन तीनों लेयर के पीछे रख लूँगा कंट्रोल टी प्रेस करूँगा और यहाँ पर मैं इसे इस तरह नीचे ले लूँगा और यहाँ पर इस तरह थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा मैं और इंटर करूँगा यहाँ पर कॉर्नर पर डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पर डाप वाले पिक कर लूँगा इन और ओके करूँगा इसे इस तरह में मूटूथ से पकड़ के थोड़ा सा आवे की तरफ मैनेज करूँगा इस तरह एरो से पकड़ के अब मैं जाऊँगा यहाँ पर फिल्टर में और यहाँ से जाऊँगा ब्लर में जाकर ग्रोशन ब्लड को सिलेक्ट सॉरी यहाँ पे मोशन ब्लो को सिलेक्ट करूँगा और इसे स्मार्ट वाई में कन्वर्ट कर लूँगा और यहाँ पर इस, इस तरह में इसे ब्लर कर लूँगा थोड़ा और ओके करूँगा मैं थोड़ा सा इसका फील कम कर लूँगा ज़्यादा नहीं इस तरह और क्लिन कर अब हम मैं ये दोनों लेयर को सिलेक्ट मैं सिप पकड़ के तो दोनों सेलेक्ट करा कंट्रोल ई पेस करूंगा तो ये दोनों मर्ज हो जाएंगे अब यहाँ पे कंट्रोल होल्ड कर रखूँगा और यहाँ पे क्लिक करूंगा हम मैं यहाँ पे ग्रेडियन आइकन को सेलेक्ट करूंगा और कर करूंगा, और यहाँ पे सिप्ट होल्ड कर रखूंगा और यहाँ पे इस तरह मैं ग्रेडियन दे दूंगा इसे अब मैं आपसे किसका कलर कोड दिखा देगा इस पॉइंट पर डबल क्लिक करूंगा तो इसका कोड यहाँ पे जनरेट हो जाएगा और यहाँ पे क्लिक करूंगा तो इसका कोड यहाँ पे जनरेट हो जाएगा और यहाँ पे क्लिक करूंगा तो इसका कलर कोड यहाँ पे जनरेट हो जाएगा और ये लास्ट वाले पे क्लिक करूंगा तो इसका कोड यहाँ पे आ जाएगा और अगर आपको यहाँ पे कलर कोई ऐड करना रहेगा तो यहाँ पे मैं ओवर करूँगा तो यहाँ पे प्लस का निशान आ रहा है तो यहाँ पे क्लिक त्लीट तो यहाँ पे एक पॉइंटर ऐड हो जाएगा मैं आनंदो तो पर लेता हूँ इस तरह अब यहाँ पे मोडू तो यह को सिलेक्ट करूँगा थोड़ी मैं कुछ इस तरीके से दोस्तों अब मैं इस सर्कल को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे कंट्रोल होल्ड कर लूँगा और यहाँ पे एक न्यूडल लूँगा और यहाँ पे जाऊँगा मैं ब्रश में ब्रश में आकर पर ब्रश को सेलेक्ट करूँगा जो कि ऑलरेडी सेलेक्ट है इसे प्लस कर लूँगा मैं अब यहाँ पे कलर बॉक्स पे आऊँगा और यहाँ पे इस कलर को पिक कर लूँगा और ओके करूँगा अब मैं ब्रश को थोड़ा बड़ा करूँगा मैं और यहाँ पे इस तरह मैं इसे इस तरह में थोड़ा सा इफेक्ट दे दूंगा मैं और यहाँ पे कंट्रोल डी प्रेस करके सिलेक्शन को रिलेट करूँगा यहाँ पे भी इसे सिलेक्ट करूँगा कंट्रोल हो करके यहाँ पे क्लिक करूँगा यहाँ पे एक न्यू लेयर लूँगा और यहाँ पे ब्रश में जा कर यहाँ पर भी इसे इस तरह में लाइट कर लूँगा और यहाँ पे भी इसे सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे एक न्यू लेर लेके कर यहाँ पर भी ब्रश को सेलेक्ट करके यहाँ पे भी इसे इस तरह में इसे लाइट कलर दे दूँगा मैं यहाँ पे और यहाँ पर मोटू को सेलेक्ट करूँगा अब मैं यहाँ पे इसे सेलेक्ट करूँगा सर्कल को और यहाँ पे इससे यहाँ डुप्लिकेट लिखा हुआ नीचे जे सर को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे कंडो जे पेस करके इसे ड्रैग करके इस लेयर के ऊपर ले लूंगा अब मैं जाऊँगा यहाँ पे राइटर्न आइकन को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे जाके इसे मैं व्हाइट कलर दे दूंगा और सॉरी यहाँ पे इसका फिल ऑफ कर लूंगा और यहाँ पे बॉर्डर में जाके कर यहाँ से वाइट कलर ले लूंगा और यहाँ पे इसका पिक्सल रखूंगा थ्री और यहाँ पे मैं जाके लाइन को सिलेक्ट कर लूंगा और इसे क्लोज़ कर लूँगा और मैं यहाँ पे मास्किंग ऑन करूंगा इस वाइड बॉक्स पर क्लिक करके यहाँ से ब्रश को सिलेक्ट करूंगा जो कि ऑलरेडी सिलेक्ट है और इसे इस तरह में रेस करके नॉर्मली मैं एक बॉडर दे दूंगा और एक एक करके मैं यहाँ पे दोनों पे बॉर्डर दे, दे देता हूँ तो ये डर नामा कुछ इस तरीके है दोस्तों अब इस ग्रेडियंट को सेलेक्ट करूँगा और इसी पर राइट क्लिक करके मैं इसे रजिस्टराइज़ कर लूँगा और यहाँ पे इसी पर राइट क्लिक करके मैं स्मार्ट ओपनर कन्वर्ट कर लूँगा अब मैं जाऊँगा यहाँ पे फिल्टर में और यहाँ से जाऊँगा मैं नॉइज़ में नॉइज़ में जाकर कर यहाँ पर एड नॉइस करूँगा तो यहाँ पे इस तरह इसका नॉइज़ बढ़ा लूँगा मैं इस तरह और ओके करूँगा सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी मैं अप्लाई करूँगा इसी पे राइट क्लिक करके यहाँ पे, पे रजिस्टराइज़ कर इसे भी राइट क्लिक करके स्मार्ट वॉच में कर्नर्ट कर लूँगा और मैं फिर से फिल्टर में जाऊँगा और यहाँ पर नॉइज़ में जा इसका नॉइज़ बढ़ा लूँगा मैं इस तरह ये बढ़ जाएगा इसे भी मैं सेम कर लेता हूँ यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा इस्ट्रेस करके इसी पर राइट क्लिक करके स्मार्ट वॉच कन्नर्ट करूँगा फिर से मैं जाऊँगा फ़िल्टर में और यहाँ से जाऊँगा नॉइज़ में जाके कर एड नॉइस करूँगा और यहाँ पे इस तरह इसका नॉइज़ थोड़ा बढ़ा लूँगा मैं और ओके करूँगा तो इधर हम कुछ इस तरीके का दोस्तों अब मैं यहाँ पे कोई भी एक प्रोडक्ट ला कर यहाँ पर स्टैंड कर लेता हूँ तो यहाँ पर मैंने की इमेज रखा हुआ है तो इसमें इसको पहले हम पी करेंगे तो पीए करने के लिए मैं जाऊँगा यहाँ पे मैजिक टूल को यूज़ करूँगा और यहाँ पे इस तरह क्लिक करूँगा तो इसके चारों तरफ सिलेक्शन ऑन हो जाएगा यहाँ पे इससे कंट्रोल आई पी एस करूँगा कि यहाँ पे ऊपर का सिलेक्शन रिमूव हो जाएगा अब यहाँ पे मास्किंग ऑन करूँगा ये पी हो जाएगा इस पर राइट क्लिक करके मैं इसे स्मार्ट वॉच में कन्वर्ट करूँगा इसी पर राइट क्लिक करके इसे रजिस्ट्राइज करूँगा अब यहाँ पे मोटू को सिलेिक करूँगा इसे इस तरह ड्रैप करके यहाँ पर कर रख लूँगा और यहाँ पर इसे ड्रैप करके टॉप लेर पर रख लूँगा मैं और यहाँ पे कंट्रोल टी पेस करके इसे इस तरह में छोटा कर लूँगा और यहाँ पे इस तरह में स्टैंड में इसे सेंटर में मैनेज कर लूँगा मैं और इल्टा करूँगा अब इसी के नीचे एक ले लूँगा और यहाँ से जाऊँगा मैं ब्रश को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे जाऊँगा मैं ब्लैक कलर पिक कर लूँगा और ओके करूँगा अब मैं महाँ पे ब्रश को डबल फ्लिक करूँगा कंट्रोल टी प्रेस करके इस तरह में सिपर सिप बैंड कर लूँगा और यहाँ पे मैं इसे इस तरह में शेडो दे दूँगा यहाँ से स्ट्रेच करूँगा मैं सिप पकड़ के इसे बिल्कुल सेंटर में इस तरह में मैनेज करूँगा मैं और इल्टा करूँगा इसी का डुप्लीकेट लिख रहा लूँगा इमेज का कंट्रोल जी पेस करूंगा और नीचे लेयर को सिलेक्ट करूँगा कंट्रोल टी पेस करूँगा इस पॉइंटर को ला के यहाँ रख रखूँगा अगर ये पॉइंटर आप सब यहाँ पे ना दिखे तो यहाँ पे अनचेक करेगा तो इसे चेक कर लीजिएगा इसी पर राइट क्लिक करेंगे मैं 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 मिफ्ट कर लूँगा और इंटर करूँगा अब मैं यहाँ पे मास्किंग ऑन करूँगा इस वर्ड बॉक्स पर क्लिक करके यहाँ से ब्रश को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से इस तरह में इसे रिमूव करके इसे इस तरह में शेडे दे दूँगा मैं तो ये कुछ इस तरह ट्रांसपेरेंट दिखेगा कंट्रोल जीरो डिसाइन करूँगा अब इस टॉप लोड पर सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे कंकलूसिव प्रट ई पेश करूँगा तो साइड एग्जाम कंबाइन हो जाएगा अब इसे थोड़ा एनहैंस कर लेते हैं तो इनहेंस करने के लिए मैं जाऊँगा फिल्टर में और यहाँ से जाऊँगा कैमरा रॉ में यहाँ से जाऊँगा मैं इफेक्ट में जाकर इसका टेक्स्चर थोड़ा बढ़ा दूँगा थोड़ी सी क्रिएटिव बढ़ा लूँगा मैं थोड़ा सा वैगनेट को माइनस करूँगा और यहाँ पर गेन को रखूँगा मैं तक कम कर लेता थोड़ा और ओके करूँगा अब मैं जाऊँगा यहाँ पे इमेज में और यहाँ से जाऊँगा मैं वाइब्रेंस में और यहाँ से इसका थोड़ा सा सैचुरेशन बढ़ाऊँगा ज्यादा नहीं थोड़ा सा वाइब्रेंस बढ़ा लूँगा और ओके करूँगा तो फाइनली दोस्तों हमारा डिजाइन रेडी हो गया तो दोस्तों डिजाइन आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और अगर मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए